guys, what's up? My name is Anupriya Podwal and I hope so you all are doing very well. Aaj ka jo hamara topic hai, that is biology as a career. Bahut sare students hain jo mere se ye question karte hain ki ma'am, I'm in a 12th standard. मैं 12th standard में हूँ, इसके आगे मुझे क्या करना चाहिए? अगर मुझे CPMT, that is जो medical exam है या AIMS के exam है, मुझे top 10 नहीं बनना है, इसके अलावा मैं biology को as a career मैं कैसे बना सकती हूँ या बना सकता हूँ? तो चलिए हम लोग start करते हैं कि कौन कौन से courses हैं जो being a biology student हम लोग opt कर सकते हैं और अपना एक career start कर सकते हैं. First is, अगर हम doctor हटा दें, मेडिकल लाइन हटा दें, तो हमारे पास आता है सबसे पहले बीएससी विद जूलॉजी और बॉटनी. बहुत सारे लोग के दिमाग में यही है कि बायोलॉजी लिया है तो हमारे पास एक ऑप्शन बचता है, दैट इज डॉक्टर या फिर बीएससी विद जूलॉजी और बॉटनी. जूलॉजी और बॉटनी भी बुरा नहीं है. आप जूलॉजिस्ट बन सकते हैं, जो जू में जो जो वर्कर्स होते हैं, जो एक्चुअली एक ऑफिस वर्कर जो मैं बोलती हूँ, जो रिसर्च करते हैं एनिमल्स के ऊपर, वहाँ का वो इन्वायरमेंट देखते हैं कि कोई डिजीज़ हो रही है तो वो क्या है, तो ये जूलॉजिस्ट ही तो हैं जो पता लगाते हैं इस पर्टिकुलर एनिमल को ये डिजीज़ हो गई है या ये हो गया है. सो जूलॉजी भी आप लेके, बीएससी जूलॉजी भी लेकर आप अपना करियर बना सकते हैं और बॉटनी भी. फिर आता है हमारे पास बीएससी विथ बायोटेक्नोलॉजी. बहुत ही ट्रेंड में है ये बीएससी विथ बायोटेक्नोलॉजी, मैंने भी किया हुआ है. यकीन मानिए बहुत ही अच्छा कोर्स है ये. कोर्स कम भी आप बीएससी विथ बायोटेक्नोलॉजी करिए, फिर एमएससी करिए, पीएचडी करिए, रिसर्च वर्क में आप जा सकते हैं. अगर आपको इस इतना लंबा प्रोसीजर नहीं रखना है, आप बीएससी करिए, एमएससी करिए, आप लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं, आप किसी कंपनी में भी जॉब कर सकते हैं. जैसे रोजरी एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, उधर पे भी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनकी लगी है वहाँ पर जॉब. नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आप क्या क्या पढ़ते हैं. बीएससी बायोटेक्नोलॉजी अगर आप करते हैं तो उसके अंदर आपका सेल बायोलॉजी आता है, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप इसके अंदर पढ़ते हैं. फिर आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी आप या तो जेनेटिक्स से कर सकते हैं, या तो सेल बायोलॉजी से कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी से कर सकते हैं, फूड टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं. बायोटेक्नोलॉजी से आपकी बहुत सारी लाइन खुल जाती हैं. अब आते हैं बीएससी विथ फूड टेक्नोलॉजी. बहुत ही ट्रेंडिंग हॉट कोर्स ये भी है बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए. अगर हम एमएससी फूड टेक्नोलॉजी करते हैं, आप ऑफकोर्स क्वालिटी मैनेजर बन सकते हैं. आप बीएससी करके, एमएससी करके फूड टेक्नोलॉजी में आप फूड इंस्पेक्टर बन सकते हैं. गवर्नमेंट सेक्टर एक्चुअली बहुत सारी जॉब्स निकालता है फूड इंस्पेक्टर की या फूड एनालिस्ट की या एसेट्रा एसेट्रा. जैसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की अभी वैकेंसी आई थी जिसमें बहुत सारे बीएससी बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट या बीएससी फूड टेक्नोलॉजी या बीटेक बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स हैं, उन एलिजिबिलिटी उसमें मांगी गई थी एज अ AG3 पोस्ट एंड डिपोर्ट करके कुछ ऐसा था. तो आप वो भी गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप जा सकते हैं. गवर्नमेंट देखिए, गवर्नमेंट जो हमारी है, टाइम टू टाइम डिफरेंट स्टूडेंट्स को मौका देती रहती है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, चाहे आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी. और ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप कहीं भी प्राइवेट कंपनी में काम भी नहीं कर रहे हैं तो आप एज अ टीचर भी बन सकते हैं. वो एक मेरा फेवरेट प्रोफेशन है. टीचर भी आप बन सकते हैं. बीएससी बायोटेक्नोलॉजी किया हो आपने, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी किया हो आपने, फूड टेक्नोलॉजी किया हो, या फिर आपने बीएससी जूलॉजी और एसेट्रा एसेट्रा. फिर आता है अगर आप यूपी से हैं तो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी किसी प्राइवेट कॉलेज से करने से अच्छा है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी. अगर आप कानपुर लखनऊ से हैं तो आप CSM कानपुर यूनिवर्सिटी से ही करें. किसी प्राइवेट कॉलेज में इतना पैसा डालने से अच्छा है, मैं आपको यही प्रिफर करूंगी कि आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट कॉलेज से ही करें, लाइक CSM यूनिवर्सिटी जहाँ से मैंने किया है. कहने को लोग कहेंगे अरे उधर थोड़ी ना प्लेसमेंट. अरे भाई, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करके किसे जॉब करनी है? एमएससी करना है, एमएससी में प्लेसमेंट चाहिए, आप फिर एमएससी कहीं प्राइवेट देखिएगा, अच्छी
यूनिवर्सिटी के लिए देखिए, ट्राई करिए, मेहनत करिए, ठीक है ना। हमारा जो नेक्स्ट आता है कि फूड टेक्नोलॉजी के टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं, दे आर लाइक CFTRI, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, NTRI, ARI, इन सब के ऊपर अगर आप लोग चाहें मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी। सो हमारा एक नेक्स्ट एज अ करियर लाइन बायोलॉजी चूज करके 12th स्टैंडर्ड में हम अपना एक नया करियर स्टार्ट कर सकते हैं, BMLT। बहुत कम बच्चों को इस करियर के बारे में पता होता है कि BMLT होता क्या है। जब मैं 12th स्टैंडर्ड थी मैं भी इस टॉपिक से अवेयर नहीं थी कि ये BMLT क्या होता है। जब मैं वहाँ हॉस्टल में गई तब मुझे जाके पता चला अच्छा कि मेरी नेक्स्ट डोर में जो एक रहती हैं वो BMLT कर रही हैं, पैरामेडिकल, देन यू हैव BPT। नाउ अब हम बात करते हैं BMLT की, दैट इज बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी। अब ये आता है BMLT काम क्या है। जब भी हम बीमार होते हैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कोई भी दवा लिखने से पहले हमसे ही कहता है भाई डायग्नोसिस करवा लीजिए, आपको हड्डी में दिक्कत है, आप एक्सरे करवा लीजिए, आप ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, क्या कहते हैं कि ब्लड निमोनिया के सिम्टम्स लग रहे हैं या पर्टिकुलर उसके सिम्टम्स लग रहे हैं तो पहले आप डायग्नोसिस करा लीजिए। सो डायग्नोसिस जो करता है वो BMLT का ही बच्चा करता है, BMLT का ही एस्पिरेंट आगे चल के अपना एक खुद का लैब खोलता है या फिर आजकल इतने सारे लेबोरेटरीज हैं जहाँ पर आप काम कर सकते हैं। और हाँ, इसके पर्टिकुलर BMLT करने के बाद आप मास्टर्स जो है एक प्रोफेशनल डिग्री के साथ एक डिप्लोमा करके कर सकते हैं, लाइक रेडियोलॉजी और एक्सेट्रा, इसके ऊपर भी फोकस बाद में कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास BPT, दैट इज फिजियोथेरेपिस्ट, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। ये 4-year प्रोग्राम है। इसमें क्या है, जब हम बीमार होते हैं या इलनेस होती है या पेन होता है तो हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, दे गिव यू अ मसाज, दे टीच यू अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्सरसाइज टू ओवरकम विथ योर प्रॉब्लम्स, योर फिजिकल प्रॉब्लम्स। तो इसका प्रोग्राम एज आई टोल्ड यू 4-year का है, ठीक है। एंड फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है BSc विथ एग्रीकल्चर, राइट। ये हमारा 6th टॉपिक है एग्रीकल्चर। एंट्रेंस एग्जाम इसके होते हैं यूपी कैटेट, अगर आप यूपी से हैं तो आप यूपी कैटेट का दे सकते हैं, अदरवाइज BHU, UEH कराता है, दैट इज ICAR, AI, EEA, UG कराता है। तो आप इन सब के थ्रू आप एंट्रेंस क्लियर करिए और BSc विथ एग्रीकल्चर में भी आप अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। सो आज का मैं सेशन मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।